हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। जी हां जनाब, बात करते हैं क्रिकेट की। सुरेश रैना क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार, इस टीम में मिली जगह है जनाब। जी हां जनाब, शॉकिंग है, टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सुरेश रैना को उत्तर प्रदेश की टीम में जगह दी गई है। स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी यूपी की टीम में शामिल, मुश्ताक अली ट्रॉफी में जगह दी गई है। इस टूर्नामेंट में ये दोनों खिलाड़ी प्रियम गर्ग की अगुवाई में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। प्रियम भारत के उस अंडर 19 टीम का हिस्सा थे जिसने विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी। प्रियम ने इस साल आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद के साथ पदार्पण किया था। वो हालांकि ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे, 14 मैचों में उन्होंने 14.77 के औसत से सिर्फ 133 रन बनाए थे। भुवनेश्वर भी आईपीएल में खेले थे लेकिन 4 मैच खेलने के बाद वो चोटिल हो गए थे। वहीं रैना ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, वो आईपीएल में भी नहीं खेले थे। रैना हालांकि आईपीएल में खेलना जारी रखेंगे और इसी के मद्देनजर वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलकर अपनी फॉर्म और फिटनेस को साबित करना चाहते हैं जनाब। तो कहीं ना कहीं सुरेश रैना की क्रिकेट में वापसी की है, और आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जनाब। जय हिंद, जय भारत।